दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि हर वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय जय माता दी। दोस्तों आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप सबको एक बहुत ही प्रचंड चमत्कारी वशीकरण प्रयोग बताऊंगा। इस प्रयोग को हजारों लोगों ने किया है और जितने भी लोगों ने किया है उसका काम बना है। दोस्तों क्या करना है इस चीज को बस ध्यान से सुनिए, और निश्चित तौर पर अगर आपको कुछ भी समस्याएं हो, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम हो, आपका प्यार बिछड़ गया हो, पति पत्नी में अनबन हो, कोई भी समस्याएं हो, आप उसको चुटकी में दूर कर सकते हैं। बस इस प्रयोग को करिए आप। जी हाँ दोस्तों, तो बहुत ही सरल और आसान सा प्रयोग है, बस सही तरीके से कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यह इतना पावरफुल है, आपको बता दूं कि आप इस दुआ को, यह इस्लामिक दुआ है, इस दुआ को आप सिर्फ एक बार भी किसी भी व्यक्ति को सुना दिए तो वह आपके वश में हो जाएगा, चाहे वह कोई भी क्यों ना हो। आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कि इतनी आसानी से व्यक्ति कैसे आपके वश में हो गया। जी हाँ, करना क्या है इसमें, आपको किसी भी प्रकार की दिन माला या फिर किसी भी साधनाओं की जरूरत नहीं है। यह एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही प्रचंड दुआ है। इसे करना कैसे है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले दोस्तों जिसको भी आपको वश में करना है, उसे सुनाने से पहले आपको थोड़ा सा पानी लेना है, जल पीने का। ध्यान रखिएगा जल उतना ही लीजिए जितना आप पी सके। आपको जितना भी जल लेंगे उसको पूरा खत्म करना ही है। उसके बाद उस जल को आपको 3 बार करके पीना है। अब पीना कैसे है यह सुनिए। आप सबसे पहले जल को जब अपने मुंह में डालेंगे दोस्तों, तो उसे वहीं पर रोकना है, निगलना नहीं है अंदर में पानी को, और वहां पर अपने मुंह में रोक कर उस व्यक्ति का जो है, जिसको वश में कर रहे हैं आप, उसको कल्पना करना है और उसका नाम 3 बार लेना है, फिर निगलिए और इसी प्रोसीजर को आप फिर रिपीट कीजिए। अर्थात दूसरी बार फिर से जल को अपने गले में, निगलना नहीं है, मुंह तक लाइए, फिर उसका व्यक्ति का कल्पना कीजिए और पानी को उसका नाम लेकर निगल जाइए। ऐसा आपको सिर्फ 3 बार करना है और 3 बार में उस पूरे जल को पी जाना है। अब उसके बाद जिसको आपको वशीभूत करना है दोस्तों, उस व्यक्ति को जो दुआ आपको डिस्प्ले में भी शो होगा, मैं बता दे रहा हूं, उसे कैसे भी एक बार ही सही सुना दीजिए। अगर आप एक बार से ज्यादा सुना दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, और एक बार कम से कम सुनाइए, चाहे फोन करके सुनाइए या सामने खड़ा होकर सुनाइए। वह दुआ इस प्रकार है, सुन लीजिए कैसे बोलते हैं इसको। अल कुद्दुसु या बुद्दुह, अल कुद्दुसु या बुद्दुह, बस यह सुनाना है आपको। पूरी विधि आपको ऐसे फॉलो करना है, फिर देखिए आप चुटकियों में भी किसी को अपने वश में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही आसान सा प्रयोग है। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक डिसलाइक कमेंट करके आप बताइए कि आपका काम कितने दिनों में बना। सबकी मंगल कामना करता हूं दोस्तों, तब तक के लिए जय जय माता दी। दोस्तों